मध्य प्रदेश में अलग अलग जगहों से सरकारी अस्पतालों में मरीजों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ के मामले सामने आए हैं। सरकारी अस्पतालों में नसबंदी सर्जरी के बाद मरीजों को फर्श पर सोने के लिए मजबूर होना पड़ा। जिन महिलाओं का नसबंदी ऑपरेशन हुआ उन्हें ऑपरेशन के बाद अस्पताल में बेड तक नहीं मिला, जिसके कारण महिला मरीजों को जमीन पर लिटा दिया गया। बात यही खत्म नहीं होती, नसबंदी करवाने आई महिलाओं के लिए एम्बुलेंस तक की सुविधा उपलब्ध नहीं होती। वो अपने खर्चे पर अस्पताल पहुंचती हैं और इलाज के बाद स्ट्रेचर भी नहीं मिलने पर मरीजों के परिजन उन्हें गोद में उठाकर बाहर ले गए। इस बारे में सिविल सर्जन ने कहा कि प्रतिदिन नसबंदी के लिए लगभग 30 मामले हैं। बिस्तर की सुविधा प्रदान करने के लिए हमें बेहतर बुनियादी ढांचे की आवश्यकता है। नसबंदी के बाद महिलाओं को ठंड के इस मौसम में जमीन पर ही लिटा दिया गया। इस पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर के एस अहिरवाल का कहना है कि मामले की जांच की जाएगी और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। नसबंदी केसेस के लिए हमारे जिला चिकित्सालय में केसेस ग्रामीण क्षेत्रों के ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर्स के द्वारा भेजे जाते हैं, उनका ऑपरेशन होता है और उसके लिए ऑपरेशन थिएटर अलग है, उनके लिए हाल है, वहाँ पर गद्दे बिछे हुए हैं और चद्दर बिछी हुई है। तो उनको मरीज जो परिजन होते जिनके हितग्राहियों का ऑपरेशन होता है उन हितग्राहियों को हमारे कर्मचारी उठा करके वहाँ पर लिटाते हैं। कुछ स्ट्रेचर में लाते हैं, कुछ लोग जो परिजन होते हैं वो कहते नहीं हम अपने खुद ले जाएंगे, परिजन अपने खुद उठा कर अपने अपने अनुसार अपने इच्छा अनुसार अपने जो पलंग गद्दा हो चयनित कर लेते हैं उसमें अपना लेटाते हैं।